और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के बारे में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत कम तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, यानी कि तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या है वो लगभग 16,000 से लेकर के 34,000 तक बताई जा रही है। बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने, हजारों तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन भी किया है इसी भर्ती में, लेकिन उन तदर्थ शिक्षकों ने अपने आप को तदर्थ शिक्षक नहीं बताया है। ऐसा इसलिए इन तदर्थ शिक्षकों ने किया है ताकि अगर कहीं वो फेल हो जाते हैं और वो घोषित कर देते हैं तो वो जो पद है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर वो फेल हो गए तो उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वो सामान्य विद्यार्थी की तरह इन तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है कि अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमको बाहर नहीं किया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में हम लोग जाएंगे और फंसे रहेंगे। मैनेजमेंट फिर दलील देगा, अपील करेगा सरकार से, कोर्ट से, कि हमारे पास अध्यापक नहीं है सामाजिक विज्ञान का और इस विज्ञान का, इसलिए हमको नियुक्ति करने दिया जाए। और उनका चूंकि जो पद है वो रोक लिया गया था, उनका अधियाचन पहले ही नहीं भेजा गया है सरकार के द्वारा, और जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा, DIOS के द्वारा उनका पद पहले ही नहीं आया है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा खेल तदर्थ शिक्षकों ने रचा हुआ है और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी है आपको युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह आपको देंगे। शिक्षकों की मंशा यह है कि इन्होंने अपने आप को तदर्थ घोषित नहीं किया है। आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इन्होंने अपने आप को तदर्थ सो नहीं किया है और इन्होंने फार्म भरा है। इनका यह प्रयास था, आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं, इनका यह प्रयास था कि अगर मैं तदर्थ घोषित कर देता हूं तो हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि वैसे भी तदर्थ की सेवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इनकी मनसा क्या है इस बात को आप समझिए। इनकी मनसा यह है कि अगर तदर्थ शिक्षक के खाली पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर जो तदर्थ के पद हैं वो पद खाली ही रहेंगे, और जैसे ही डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर जो तदर्थ के पद हैं वो पद खाली ही रहेंगे, और जैसे ही 31 अक्टूबर 2021 तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एग्जाम करा लेता है, रिजल्ट दे देता है, तो मैं फिर एक बार पुनः सरकार से, जिला विद्यालय निरीक्षक से, न्यायालय से यह अपील करूंगा कि महोदय मेरे विद्यालय में, प्रबंधक की बात मैं कर रहा हूं जो इनकी मनसा है, कि महोदय मेरे विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है, मेरे विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है, मेरे विद्यालय में हिंदी विषय के शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे शिक्षक मुहैया कराने का कष्ट करें। अब आप सोचिए कि जब कहेंगे कि मुझे शिक्षक मुहैया कराने का कष्ट करिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमारे विद्यालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हम तदर्थ हैं, हमने फार्म भरा था, अरे जब फार्म भरे रहेंगे भैया, परीक्षा दिए रहेंगे, अगर इनका चयन हो जाता है, जो तदर्थ मूल रूप से 1156 लोगों ने फार्म भरा है ईमानदारी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, बाकी सब अयोग्य थे और अपने पदों पर ही हो जाएंगे जिस विद्यालय में गए। तो 1100 सीटें आपकी बढ़नी तय है, 15198 प्लस
1156 सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो 34,000 में 33,000 लोग हैं, इनका क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम आपकी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये जो 34,000 में 33,000 लोग हैं, इनका क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम साथी लगातार फोन से जब भी हम लोग खाली होते हैं, वार्ता होती है, सबके मन में यही है कि तदर्थ की सीटें जोड़नी चाहिए। और सच्चाई बता दूं कि मैंने 2016 से इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा, पूरी ईमानदारी से, जिसको तो मैं सीना चीड़ करके नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बेरोजगारों के लिए सही सिस्टम को बरकरार संचालित होने के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी है वो आप लोगों के सामने। हालांकि कुछ विरोधी गुट हैं जिनको तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे, अनिल सिंह को सुन रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी लगभग 33,000 जो सीटें हैं वो होल्ड कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा और प्रबंधकों के द्वारा। तो ये सुना आपने, और इसी की मांग जो है वो युवा मंच उठा रहा है। और 9 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन होगा तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने के लिए। अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो इन पूरे 33,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब PET के अलावा भी जो अतिरिक्त जो परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी में लगा हुआ है। आज एक नोटिस जारी हुई है परीक्षा पाठ्यक्रम की, ये देख सकते हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन रिक्त रोड रोलर चालक के 1 पद और नक्शा नवीस के 15 पद, कुल 16 पदों पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हेतु भारत, ये तो ये बहुत सारी जानकारी लिखी है यहाँ पर, लेकिन ये बताया है कि किस तरीके से परीक्षा होगी इस पद की और इसमें कितने प्रश्न कहाँ से आएंगे और कितने नंबर की ये भर्ती है। तो इसके बारे में पूरा का जो पूरा सिलेबस है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर के इसकी परीक्षा की डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि ये पाठ्यक्रम आ गया है और बहुत जल्द इसकी जो तारीख है वो भी आयोग घोषित कर देगा। आज झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये बताया है कि वहाँ की जो PCS प्री का जो एग्ज़ाम है, ये देखिए लिखा हुआ है 12 सितंबर 2021 को संभावित है। अगली जो नोटिस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, और ये जो नोटिस है एक भर्ती थी और यहाँ पर उसके बारे में लिखा है कि राजकीय आश्रम पद्धति की उसकी परीक्षा की जो डेट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसका जो उल्लेख है वो परीक्षा कैलेंडर में नहीं किया गया था। लिखा सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या लिखा हुआ है दिनांक 10 जून 2021 के द्वारा घोषित परीक्षा कैलेंडर के अतिरिक्त प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो 26 सितंबर को ये परीक्षा होगी। तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि लोक सेवा आयोग ने जिन परीक्षा कैलेंडर में जिन भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी है वो भी परीक्षाएँ इसी साल होंगी, तो उनकी भी जो तारीखें हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो जारी कर रहा है। बात कर लेते हैं UPTET नोटिफिकेशन की। तो सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि UPTET के लिए और BEd के लिए विद्यार्थियों ने एक पत्र भेजा था NCTE को, और ये अनुरोध किया था कि UPTET आपने कहा था कि साल में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो UPTET का आयोजन नहीं कर रही है और निर्देशित करें कि UPTET यहाँ पर जल्द से जल्द हो। और इसी क्रम में इन विद्यार्थियों ने फिर से एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो TET का आयोजन नहीं कर रही है, जबकि TET जो है साल में 2 बार होना चाहिए। कभी पंचायत चुनाव, कभी कोरोना प्रभाव, कभी कोई अन्य जो है बहाने से यहाँ पर UPTET का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड और जो बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपने अपने यहाँ पर इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने में TET का जो आयोजन है वो करवा चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हैं, डेट यहाँ पर 3 अगस्त यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस नोडल एजेंसी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ
इंडिया, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको भी पत्र भेजा है, राष्ट्रपति को भी भेजा है और उपराष्ट्रपति को भी भेजा है और भारत के प्रधानमंत्री को भी भेजा है। और यहाँ पर लिखा कंडक्टिंग उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन 2020 इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिस्पेक्टेड सर, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ NCERT ET एग्जाम शुड बी कंडक्टेड एवरी ईयर बट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक UPTET कुड नॉट बी हील्ड इन 2020 इन उत्तर प्रदेश इन मार्च 2021। तो यहाँ पर पूरी इन विद्यार्थियों ने बात लिखी है कि पंचायत इलेक्शन की वजह से कभी कुछ और इस वजह से यहाँ पर TT नहीं करवाई गई। और लिखा हुआ है कि सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग UPTET 2020 एग्जामिनेशन एट टाइम। हेयर आई वॉन्ट टू मैंसन दैट इन मीन वाइल, इसी बीच उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और हरियाणा की गवर्नमेंट ने TET एग्जाम अपने यहाँ पर 24 मार्च को और 3 जनवरी 2021 को इसी वर्ष करवा लिया, मगर पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश जो है वो UPTET नहीं करवा रहा है। और इसलिए आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि जो है यहाँ पर TET की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो है शिकायत की है इन विद्यार्थियों ने, अब देखते हैं कि इसके संबंध में राष्ट्रपति महोदय की तरफ से, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।